गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर चैप्टर चैप्टर नंबर सेवेंटीन द यूनाइटेड नेशंस सो कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के मेजर ऑर्गेंस हैं उनके बारे में ठीक है तो यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है ठीक है और यूएन का एक ख़ुद का फ्लैग है जिसमें uh, जो उस फ्लैग में लाइट बैकग्राउंड है ठीक है ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर का और वाइट से एम्बल बना हुआ है ठीक और ये जो इसके कितने ऑर्गन्स थे फाइव ऑर्गन्स थे मेजर फाइव ऑर्गन्स थे जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेट्रेट तो कल हमने दो दो जो इसके ऑर्गन्स हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को कल हमने डिटेल में पढ़ा था जनरल असेंबली क्या होती है वो मेन बॉडी है किसकी यूनाइटेड नेशंस की जो क्या करती है वो एज अ पार्लियामेंट वर्ल्ड की जो पार्लियामेंट है संसद की तरह काम करती है और इसमें क्या होते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है इस जनरल असेंबली में और वो लोग जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर डिस्कस करते हैं और एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जो पीसफुली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके ठीक है और ये अपने से ही चूज करके जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनमें से ही एक कोई चूज करके प्रेसिडेंट बनता है सिक्योरिटी काउंसिल में फिफ्टीन मेंबर्स होते हैं टेन टेम्प्रेरी होते हैं फाइव परमानेंट होते हैं तो परमानेंट कौन से मेंबर्स हैं यूएसए रसिया फ्रांस चाइना एंड इंग्लैंड और इसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है मेंटेन करना पीस और सिक्योरिटी को जितने भी नेशंस हैं उनके बीच ठीक है और टूडेज टॉपिक इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोनॉमिक मतलब आर्थिक सोशल मतलब सामाजिक ठीक है काउंसिल मतलब परिषद द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज 18 मेंबर्स जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है परिषद है इस इस परिषद में कितने मेंबर्स हैं एटीन मेंबर्स हैं द पर द ऑफ दिस काउंसिल इज टू कैरी आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द यूएन इन द फील्ड फील्ड्स ऑफ एजुकेशन सोशल अपलिफ्टमेंट हेल्थ कल्चर इकोनॉमिक एड एक्सेट्रा जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है आर्थिक और सामाजिक परिषद है जो वो उसका मेन पर्पज़ क्या है जो यूनाइटेड uh, नेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स अब, हैं एम्स हैं किस फील्ड के एजुकेशन में सोशल अपलिफ्टमेंट मतलब जो सामाजिक सामाजिक सुधार जो होता है हेल्थ के फील्ड में कल्चर जो हमारा सांस्कृतिक है और इकोनॉमिक एड ठीक है आर्थिक इन इन फील्ड्स में इनके जो ऑब्जेक्टिव हैं यूनाइटेड नेशंस के उसको पूरा करना द वेरियस एजेंसीज ऑफ दिस लाइक द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट इट्स एक्टिविटीज इस जो ए, ये जो एजेंसीज हैं बहुत सारी एजेंसीज़ हैं इस काउंसिल की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की ठीक है बहुत सारी एजेंसीज हैं जैसे एक एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो ये सब एजेंसीज़ हैं किसकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की जो इस जो इनकी एक्टिविटीज़ को करती हैं ठीक है ठीके? और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने में हेल्प करती हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जस्टिस मतलब न्याय तो अंतरराष्ट्रीय जो न्याय की न्यायालय है उसके बारे में हमें पढ़ना है ठीक an है दिस इज द लीगल कोर्ट एंड एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये क्या एक लीगल कोर्ट है ठीक है कानूनी न्यायालय है और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसका यूनाइटेड नेशंस का इट डील्स विद द डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर नेशंस एंड सेटल्स देम ष्ट्रीय uh, 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 उसको, उसको कानून बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्प्यूट uh, को सोल्व करना वो भी पीसफुली शांतिपूर्वक ठीक है इट हैज फिफ्टीन जजेस इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इनके इस कोर्ट में कितने जजेस हैं फिफ्टीन जजेस होते हैं जो कि जो मेंबर्स कंट्रीज होती हैं यूनाइटेड नेशंस की उन्हीं डिफरेंट कंट्रीज से वो जजेस चुने जाते हैं द पीस पैलेस इन द हेग नीदरलैंड्स इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो पीस पैलेस है कहाँ पर हेग में है ये कहाँ पे है नीदरलैंड्स में ठीक तो, uh, है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है नीदरलैंड्स में ठीक है नीदरलैंड्स के हेग प्लेस में और उस, आ, उसका नाम क्या है पीस पैलेस जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये क्या है पीस पैलेस इन द हेग, ठीक है ये कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है मतलब सचिवालय ठीक है द सेक्रेटरीट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो सचिवालय है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक ठीक है तो सेक्रेटरी एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है किसका यूनाइटेड नेशंस का जो उसका काम क्या होता है जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के जो इसका डे बाय डे वर्क होता है जो प्रतिदिन जो काम होता है उसको ये देखता है या फिर उसमें करता है ठीक है द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ फाइव इक्रेटरी जनरल होता है वो किसका हेड होता है सेक्रेटरी मतलब सचिवालय का जो हैड uh, होता है वो कौन है सेक्रेटरी जनरल कैसे अपॉइंट होता है वो जनरल असेंबली में ठीक है जनरल असेंबली में वो अपॉइंट किया जाता है उसको चूज सेलेक्ट uh, किया जाता है कितने सालों के लिए पांच सालों के लिए ठीक है ही इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल ऑफ दू यूएन जो जनरल सेक्रेटरी है सेक्रेटरी जनरल वो मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल होता है मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स रहती हैं ठीक है मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल है किसका यूनाइटेड नेशंस का देयर आर मैनी पीपल अपॉइंटेड फ्रॉम मैनी कंट्रीज हु वर्क विद हिम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपॉइंट होते हैं ठीक है ठीके? और बहुत सारी कंट्रीज से जो भी वो उनके साथ जो भी काम करते हैं ठीक है हु वर्क विद हिम जो उनके साथ काम करते हैं ठीक है तो जन जनरल सेक्रेटरी को चुनता कौन है जनरल असेंबली में चुना जाता है कितने सालों के लिए पाँच सालों के लिए ठीक है सो थैंक यू क्लास